मैं जीत गया। बोला मित्सू हमसे कैसे जीत सकता है? हाँ तुमने चीटिंग किया है। मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। अच्छा? कबाब साबू बच्चे, तुम दोनों फिर से मित्सू को परेशान कर रहे हो। हम बस उसके साथ खेल रहे थे। हाँ सही कहा, वो खेल नहीं मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। बहुत हो गया कबाब, तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा। बस बस बहुत हो गया, भूल जाओ ये सब। नहीं 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 नहीं, आज इन्हें सबक सिखा के रहूंगा। मैं आ गया। हाँ। ए, क्या हुआ गांको? ये देखो। अरे नहीं, ये शायद अगर मैंने ये मम्मी को बता दिया तो। नहीं 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 गांको, प्लीज मम्मी को बात बताना प्लीज गांको। मम्मी जल्दी सुनो गांको, नहीं मम्मी, भैया ने फिर से अपना शर्ट। सो कहाँ है वो? भाग गया। इस कांको की बच्ची को तो मैं एक ना एक दिन जरूर देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, फिर से बॉस से डांट पड़ेगी। नहीं आहा, मैं नहीं, मैं ऐसा क्यों हूँ? या हेलो, मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जरूर। ठीक है, मेरे लिए ये गुब्बारा फुला दो। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। आपने उस बैलून को फोड़ क्यों दिया? हाँ, आज से तुम परमैन बनोगे। पर? परमैन। ये इसको लेके दुनिया की मदद करो, ठीक है? अरे एक सेकंड, भला इस तरह का मजाक कौन करता है? जब तुम इसे पहनोगे तब तुम्हें सुपरमैन जैसी ताकत मिलेगी। अरे भला इस तरह के मामूली शर्ट से सुपरमैन कैसे बन सकते हैं? ये किस तरह का मजाक है बोलिए? रुको। बर्ड प्लैनेट से? हाँ, और हमारा काम सबकी मदद करना है। लेकिन जब मैंने पृथ्वी पर आया तब मैंने देखा कि पृथ्वी पे बहुत सारे अजीब घटनाएं घट रहे हैं, इसलिए मैं किसी को ढूंढ रहा था जो परमैन बनके सबकी मदद करे। ओ अच्छा, मैंने जो तुम्हें हेलमेट दिया है उसे तुम्हें 1000 गुना ताकत मिलेगी। समझ गया। और तुम परमैन बनके सबकी मदद करना और जो सब मुसीबत में है उन्हें बचाना, समझ गए? और वैसे इस मूवी के टॉपिक का नाम क्या है? अरे बस तुम्हें इसको ऐसे पहनना है। अब आसमान में उड़ो।
ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। पर मैं क्यों भाग रहा हूँ, मेरे पास तो परमानेंट सेट है। कोई नहीं देख रहा। परमानेंट सेट से तो मेरा काम आसान हो गया। बैटमैन दिलचस्प। फाइनली मैं पहुंच गया। कोई नहीं देख रहा। हेलो दोस्तों, अपना मास्क खोल सकते हो। और हाँ, अगर तुमने परमैन का मास्क खोल के अपना सीक्रेट किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक जानवर बना दूंगा। एक डॉग, एक कॉकरोच या फिर एक मेंढक। मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता, समझे? अरे ये तो मित्सो का बैग है। अरे वो मिश्रास लेट हो गया था ना, इसीलिए बस। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो क्या? हाँ हाँ। क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। यानी परमैन मित्सो का सबसे अच्छा दोस्त है। वाव मित्सो। और मित्सो के लिए परमैन कितनी तेज से उड़ रहा था, देखा था? मित्सो तुम आज फिर से लेट हो गए हो। सॉरी सर। तुम परमैन के अच्छे दोस्त हो, उससे कुछ तो सीखो। सर परमैन कमजोरों की बहुत मदद करता है, इसलिए तो वो मित्सो का अच्छा दोस्त है। मित्सो बाहर जाके खड़े हो जाओ। ओके ओके सब शांत हो जाओ। इस कबाब को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी क्या परेशानी हो सकती है? यहाँ आवाज नहीं। क्या बात है बूबी? क्या आपको ने कहा कि अर्जेंट है और मुझे जाना पड़ेगा? नहीं बूबी मैं नहीं जा सकता, अभी क्लास चल रही है। अरे अरे वाह मेरा बैग तुम ले आए। अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपना रोबोट छोड़ के तुम्हारे पास जाऊं? हाँ ये अच्छा है। सब कुछ संभाल लेना रोबोट। अपना ख्याल रखना परमैन। थे पाको, आते आते गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे पाको नहीं कुछ और बुलाओ। वो नहीं हो सकता। हाँ क्यों नहीं बुला सकते? वो बता कि तुम्हें पाको बुलाने में परेशानी क्या है? मिस पाको। हाँ मिस पाको, मिस पाको बुलाऊंगा। ओए चले जाओ। तुम्हारी वजह से हम तीनों डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। अरे पाको सुनो तो। वी वी है, तुम पाको नाम पे रिसर्च कर रहे थे। पाको हम कितने अच्छे हो, तुम्हारे वजह से मेरे सर में कितना दर्द है। एक एक करके मेरे सारे दोस्तों को पकड़ लिया उसने, ये सब उस परमैन के वजह से। उस लड़के को तो मार देना चाहिए था। ओए फोन उठाओ कोई। ओए सुनाई नहीं देता क्या? अरे सब तो हेलो कौन है? बॉस बचा लो परमैन। क्या फिर से वो लड़का? बॉस मैं सच कह रहा हूँ, परमैन हम सबको पकड़ लिया, साथ का मैं दोस्तों को भी।
करना ही पड़ेगा। आज बहुत ज्यादा ही काम कर लिया मैंने। इसका नाम है परमानेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये परमानेंट सेट का ट्रैक करता है, फिर उसका पीछा करता है और परमानेंट को मार भी सकता है। मैं जीत गया। अब परमानेंट मरेगा। परमानेंट आया है। वो सीना सुब रहे यहाँ। हे कहा ऊपर छे। इसने तो प्लान खराब कर दिया मेरा पूरा। ये तुम्हारे ऊपर किसने टारगेट किया था जिसकी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ा था मिक्सो? आखिरी किसका काम हो सकता है? फिलहाल हम उसे पकड़ नहीं सकते, बस इसको ऐसे फोल्ड करके फेंक देंगे। उसे सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हा? ये देखो मिक्सो। अरे वाह, वाओ, ये उसका मैं सिर में मिल रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए एक ले। अरे अरे मिक्सो छोड़ो मुझे। आ गया, स्वागत है। आज स्कूल में कैसा गया? रुको, ये देखो तुम्हारा आज का टेस्ट। अरे नहीं, चलो अपना माथा इधर लाओ। कोई बात नहीं, आज भी कुछ भी खास नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ मित्सुओ। अरे नहीं मित्सुओ। हाँ मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या कर रहे हो? तुमने फिर से अपने कपड़े गंदे कर दिए। कब सुधरोगे? अगली बार नहीं होने चाहिए। ओके समझ गए। उस परमन ने तो हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। आपको क्या लगता है हम सबको कैसे छुड़ा पाएंगे? जेफ, मैं वो तो तुम्हें फिक्र की क्या बात है। आओ तुम सबको मैं दिखाता हूँ। अरे ये आखिरकार है क्या? वो तो एक रोबोट है। मैं बस इसका डिजाइन नहीं बना पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों? पहले इसे बनाया था पर वो रोबोट बहुत ज्यादा पतला बन गया था। आखिर ये कब तक बनेगा और हम अपने दोस्तों को जेल से कैसे छुड़ा पाएंगे और उसको कैसे मार पाएंगे जिसने हमारे दोस्तों को जेल भिजवाया? कब आखिर कब? प्लीज इस रोबोट को जल्दी से बना लो आप ताकि हम उस परमैन को हरा सके। ये रोबोट बनने के बाद उन्हें निकालेंगे और परमैन सेट भी हमारे पास आएगी। मित्सु, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। एक बार परमन का नाम बोल के देखो। वो बोलेगी हाँ परमन कितना क्यूट है, एक बार ट्राई करो जल्दी। परमन, परमन बहुत अजीब है। है सुमेरे होशिनो गेम? ओ नहीं, उसमें आखिर इतना है क्या? तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम सुमेरे से जलती हो, क्यों है ना? नहीं, मैं उससे नहीं जलती।
क्या तुम्हें सुमीरे पसंद नहीं है पाको? सुमीरे होशिनो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अरे पाको, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। पर मैं सुनो तो सही। अरे वो दोनों चले गए। This time I have something big to announce. I starred in the movie Pritika Angel of the lovely heroine Akia Marina. Perfect time. Thanks everyone for attention. Program band kare. Thank you all. क्या आप अच्छे से कर रही हैं? आपने आज भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी अच्छा करेंगी। सब ठीक से हुआ? क्रिटिकल आउटलुक के मूवी में आपका स्वागत है। आपको बस सजेस्ट करना है कि आखिर ये कैसा बना है, तो ये देखिए हमारा डियर रॉबर्ट रेड पांडा। और ये बहुत ही खतरनाक पांडा है जो कि दुनिया को खत्म कर सकता है। आपको बस इसको सजेशन देना है कि आखिर यह कैसा बना है। चोरी हो गया? ये चोरी आधी रात को हुई थी। पर उसको चुरा के आखिर वो करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता वो कोई खेलने की चीज है। बूबी कुछ भी हो, मिक्सो अब तक आया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने उसे रिसेंटली कहीं नहीं देखा है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि म्यूजियम हॉल से एक बहुत ही खतरनाक रोबोट चोरी हो गया है जो सुमिरी के कॉन्सर्ट में यूज होने वाली थी। शांति से खेलने भी नहीं देते ये लोग। आखिरकार ये तैयार हो गया। अब हमारे पास बढ़िया। अरे हमारे बारे में भी तो सोचो, हम इसे चलाते चलाते थक गए हैं। तुम तीनों पेडलिंग करते रहो, इससे एनर्जी जनरेट होती है और रोबोट को एनर्जी मिलती है। हमारा इंतजार तो बस परमेंट का है। ओह नो, मिक्सो तुम आया क्यों नहीं? पता नहीं वो इतना लेट क्यों कर रहा है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। किया ये क्या? सब लोग खैर मत करो। किया थैंक्स बूबी। बूबी वो बहुत ताकतवर है। मित्सो सुआ, इतनी देर क्यों मित्सो? दरअसल वो थोड़ा वो सब छोड़ो मित्सो, तुम कर क्या रहे थे? पीछे।
विश्व। अरे वाह, अब ये मास्क। हाँ अरे ये क्या, हमें इसे बर्बाद करने से रोकना होगा। हमने उन्हें हरा दिया। हाँ, वो लड़का तो बहुत चालाक है। मिट्सु, इन देर हो गई, रोबोट अब तक वापस नहीं आया। शायद कहीं सो गया होगा, आखिर है तो मेरा ही रोबोट ही ना। टुडे आफ्टरनून अ जायंट रोबोट अटैक्ड इन द टोक्यो सिटी। इट ब्रोक ऑल बिल्डिंग्स and where poor man also can't do anything. Yes, the robot stole all money from bank. Birdman, ये सब क्या है मित्सुओ? ये तो दरअसल, बस करो, अब और कुछ मत बोलो। बर्डमैन की ड्यूटी पे ध्यान ना लगा के गेम तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं, वो बात ये है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तैयार हो जाओ अब। मैं बर्डमैन की ड्यूटी आज से छोड़ रहा हूँ। मैं बर्डमैन बनने के लायक नहीं हूँ। मैं बचपन से कमजोर था और अभी भी हूँ और हमेशा ही रहूंगा। मैं बर्डमैन की ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाया क्योंकि मैं सुमिरे का गेम खेल रहा था। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो किसी के बारे में सोचता नहीं। मैं अपने नॉर्मल लाइफ से ही खुश था। तो क्या ये बर्डमैन तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं बर्डमैन की ड्यूटी बस छोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं। बस ये लीजिए अपना मास्क और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाय। तुम तीनों रुको, उसे और रोको मत। मित्सुओ अब इस बर्डमैन मेंबर्स में नहीं रहा। और गोली चलाओ। गोलियों से इस रोबोट को कोई थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग रुक जाओ, रुको प्लीज सब। उस रोबोट की पावर बहुत ज्यादा है। मिस्सो को छोड़ के सब आगे, अब इससे बच के दिखाओ। अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है, शांति से खेलूंगा। कोई मुसीबत में है, मैं क्या करूं? किसी की फिक्र नहीं है, किसी की मदद नहीं करूंगा। अब वैंक की बारी। तुम सब सुनो, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं जो बोलूंगा तुम सब वही करना। बूबी, उस बैलून से सारा हवा निकाल दो। ये कुछ अजीब सा है। गुड जॉब।
ये सब कुछ चलेगा। जाना होगा पारमन बैच। पाको क्या तुम सुन सकती हो? वाह परमन सेट जितनी जल्दी हो सके मुझे सबको बचाना होगा। तुम तीनों फेडलिंग करते रहो। अरे अरे नहीं ये क्या हो गया मिस मिस्सो को तो तुमने मुझे मारा क्यों? कहा तुम रोबोट नहीं। अब इससे बचो मिस्सो परमानेंट ट्रैकिंग सिस्टम। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मिक्स में। सच में? पर मैं परमानेंट मेंबर्स में नहीं हूँ ना। देखो तुम परमानेंट ड्यूटी छोड़ चुके हो पर तुम हमारे लिए दोस्त हो समझे? यहाँ तो बहुत कोहरा हो गया है लगता है वो हमें इस कोहरे में ढूंढ नहीं पाएगा। कहाँ कहाँ जाओगे बचके? अरे नहीं 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 अलो छोड़ूंगा नहीं मिस्सो। तुम दोनों ठीक हो? पाको तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। अगर मैं थोड़ी लेट हो जाती तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें क्या करता? पर तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं। हाँ तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया।
तुम सब इस शहर को बचाने में कामयाब रहे। और मित्सुओ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। क्या तुम परमानेंट मेंबर्स में वापस आना चाहते हो? बोलो। हाँ, और मैं इस बार अपने काम ठीक से निभाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है। आओ यहाँ देखो। इन सब की खुशी बस तुम सब लोगों के वजह से ही वापस आ पाई है।